हेलो गाइस, पिछली वाली वीडियो में एनआईटी पटना और एनआईटी श्रीनगर के ऊपर बात कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में, सो स्टार्ट करते हैं। अब एनआईटी दुर्गापुर का सीन भी ऐसा ही है कि इन्होंने भी पैकेज अपने मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चार्ट दिखाऊंगा जिसमें कि सभी तरह मीडियन एवरेज हाईएस्ट सब पैकेज दे रखे होंगे और प्लेसमेंट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू ब्रांच, मतलब ये सब आपको एक बार चार्ट में देखने को मिलेगा। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ आपको दिखेगा 9 स्टूडेंट 2025 बैच के जिनको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ऑफर हुई है, और मोस्टली वही सीएससी आईटी या फिर ईसी ब्रांच के होते हैं। अब देखोगे नेट वेस्ट ग्रुप में हुए हैं 3 प्लेस और जॉन डियर में हुए हैं 6, ऐसे ही आप देख सकते हो कि वेल्स फायरगो में हुए हैं आपके 6 स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर आपको डेटा दिख ही रहा होगा सामने, ये जितना भी डेटा आप देख रहे हो ये 2024 बैच का है। 2023 बैच का डेटा इनके लिंक्डइन पर अपलोड नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक पूरी समरी टाइप एक बार चार्ट में दे रखी है, वो ही हम देखने वाले हैं लास्ट में। तो सीधा उसी के ऊपर चलते हैं। अब ये देखिए, ये है पूरी कहानी का निचोड़, पूरा सार, जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ है वो है 70 LPA, एवरेज पैकेज है वो है 13.64, और जो टोटल स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो है 600+। इसका मतलब है अगर 601 भी प्लेस हुए होंगे तो वो 600+ में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है एक्सप्रेस करने का ऐसे। सो अब यहाँ पर आप ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख सकते हो, ये जूम करने पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, सो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको MME ब्रांच टॉप पर मिलेगी। MME मतलब वही मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसका 2023 बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है 90.32%। और EC इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सब ब्रांच का आप देख सकते हो। यहाँ पर कोर ब्रांचेस का देखोगे तो 82-83%, मतलब कि अगर पूरी क्लास का अगर 80% भी स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज भी देख सकते हो 83.07। नीचे कंपनियों के नाम वगैरह भी देखने हो तो वो भी देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, EXL, जियो, हीरो, सुजुकी, बायजू, सैमसंग, अडानी, सब मिल जाएगा आपको। अब एक दो लोगों की कमेंट आई थी कि NIT पटना और NIT दुर्गापुर में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं कुछ कमेंट करूँ उससे पहले मैं आपको नेट पर दिखा देता हूँ कि आखिर में क्या कौन सी पोजीशन है दोनों की। तो NIT आप देखोगे तो यहाँ पर आपको राउरकेला, तिरजी वगैरह शुरुआत में मिलेंगे, लेकिन बाद में आओ तो यहाँ पर आपको NIT दुर्गापुर ये देखने को मिल जाएगा। अब लेकिन ऐसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो NIT पटना लास्ट पोजीशन, एक मतलब बेसिकली उससे तो नीचे ही है। अगर नीचे देखोगे तो टॉप NIT में आपको NIT दुर्गापुर का नाम मिल जाएगा, तो इसमें NIT पटना नहीं दे रखा बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि NIT पटना दुर्गापुर की तुलना में बहुत ही मतलब कंपेरेबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग बेसिस हैं दोनों को जज करने का, किसी में कोई चीज़ बेस्ट है तो किसी में कोई चीज़ बेस्ट है। इसके ऊपर हम नई वीडियो बना देंगे एकदम, तब तक के लिए अपना फेवरेट कॉलेज कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, तो देखेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाने की।